उम्र के जिस दौर में हाथ में कॉपी और किताब होना चाहिए, उस समय यदि कोई बालिका व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा करे तो आश्चर्य तो होगा ही। उज्जैन सिंहस्थ में हजारों साधु संतों के बीच 8 साल की एक बालिका लोगों के लिए कौतुक बनी हुई है। बाल विदुषी मानस मणि आरती ग्वालियर की रहने वाली हैं और घर के माहौल ने उन्हें राम कथा करने के लिए प्रेरित किया। हमारे मम्मी पापा सुनने के लिए जाते थे, हमारे घर में ऐसा माहौल था, कई भक्त थे तो हमारा भी मन चलता था कि हम भी कथा करें। तो जहाँ पर भी मम्मी पापा कथा सुनने के लिए सत्संग में जाते थे तो हम भी वहाँ पर कथा सुनने के लिए जाते थे, तो हमारा भी मन हुआ कि ये भी सबको कथा कहते हैं तो हम भी कथा करेंगे। तो जब से हम रामायण पढ़ने लगे फिर भगवान की ऐसी कृपा हो गई, फिर हम प्रवचन कहने लगे। ये हमारा 35वां मंत्र है ये, और यहाँ पर अच्छा लगता है, बहुत भक्त आते हैं, यहाँ पर पूरा पंडाल भरा रहता है, ग्वालियर में भी बहुत प्रोग्राम चलते रहते हैं। राम कथा के साथ ही बाल सुलभ खेलों में भी छोटी साध्वी का मन रमता है। वे राम कथा के साथ ही भागवत करने की भी इच्छा रखती है। राम कथा भी कहती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ वृंदावन जाऊंगी, फिर गुरु बनाऊंगी वृंदावन से, फिर मैं भागवत करूंगी।